छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां पर नक्सलियों ने जगरगुंडा मार्ग पर गाड़ियों को रोक दिया। नक्सलियों ने सड़क काटने की कोशिश भी की है, वहीं मौके पर पहुंचे डीआरजी जवानों को देखकर नक्सली भाग खड़े हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां पर नक्सलियों ने जगरगुंडा मार्ग को जाम कर दिया है। जगरकुंडा मार्ग पर नक्सलियों के द्वारा गाड़ियों को रोका गया। हालांकि यहां पर नक्सलियों ने सड़क काटने की भी कोशिश की, लेकिन ये नापाक इरादे नक्सलियों के पूरे नहीं हुए और डीआरजी जवानों की वहां दस्तक होती है और नक्सली डीआरजी जवानों की दहशत से वहां से भाग खड़े हुए। सुकमा के जगरकुंडा मार्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर नक्सलियों ने जाम लगा दिया। सड़क को काटने की कोशिश की गई, जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद डीआरजी जवान वहां पहुंचे और डीआरजी जवानों की दहशत से नक्सली वहां से भाग गए। ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ सुकमा से हमारे संवाददाता शिवा यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि आज चिंतलनार और दोरनापाल के बीच में जो वाहनों की आवाजाही हो रही थी, नक्सलियों ने बुरकापाल के पास जंगलों में उन्हें रोका और पूछताछ कर रही थी, लेकिन जैसे ही फोर्स को यह जानकारी मिली कि नक्सलियों ने वाहनों को रोक रखा है, तत्काल डीआरजी की टीम वहां निकली और जिसे देखकर वहां से नक्सली भाग निकले। जी, तो वहां से कुछ सामग्री इस तरह की पाई गई है, कुछ आईडी बम या कुछ इस तरह की सामग्री जो ठीक नहीं हो, जिससे कोई खतरनाक घटना होने वाली हो? जी, ऐसी कोई सामान वैसे वहां से कोई प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जरूर ये बताया जा रहा था कि नक्सली सड़क को जाम करने के लिए, सड़क को खुदाई करने के लिए ऐसा मंसूबा लिए वहां पहुंचे थे, मगर साथ ही उन्होंने वाहनों को रोक दिया, जिससे फोर्स को इसकी भनक लग गई कि नक्सलियों ने वहां पर नक्सलियों का जमावड़ा है, वहां कहीं ना कहीं किसी घटना को अंजाम देने के लिए किसी प्रकार की कोई हताहत या किसी नक्सली की गिरफ्तारी यहाँ से डीआरजी के जवानों ने की हो? ऐसा अभी कोई भी गिरफ्तारी या कोई भी हताहत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। और खबर बीजापुर से है, जहां पर आवापल्ली थाना क्षेत्र के डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। मौके से मारे गए नक्सली के शव के साथ 315 बोर की राइफल बरामद हुई है। आवापल्ली थाने से 8 किलोमीटर दूर पुन्नूर इलाके में मुठभेड़ हुई। मौके पर नक्सल एरिया कमांडर नागेश के 20 से 25 नक्सलियों के साथ होने की सूचना थी, जिस पर डीआरजी की टीम जब मौके पर पहुंची तो इसी दौरान ये मुठभेड़ हो गई। और खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर उपचुनाव से पहले नक्सलियों का आतंक सामने आने लगा है। लाल आतंक से जुड़ी दो खबरें आई हैं, इनमें एक ये है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हो गए, दूसरी ये कि नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिरी के शक में एक शख्स की हत्या कर दी। नक्सलियों से मुठभेड़ किरंदुल इलाके में हुई है। पुलिस का कहना है कि उपचुनाव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली कुटेरम के जंगलों में जमा हुए थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। पुलिस ने मौके से 9 mm की पिस्टल और 12 बोर की बंदूक बरामद की है। उधर किरंदुल थाना क्षेत्र में एसआर के पास ईएसएसआर के पास पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। शव के पास नक्सलियों ने पर्चा भी फेंका और नीचे बम दबे होने की आशंका जाहिर की है। मीडिया टीम मौके पर पहुंची। और वही रुख करते हैं अगली खबर का। हिंदी दिवस के अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक राष्ट्र एक भाषा की बात उन्होंने कही, इसका कई राज्यों में विरोध हो रहा है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये सिर्फ दिखावा है। इस बार अभी दो उपचुनाव, एक दंतेवाड़ा और एक चित्रकूट है, उसको तो नहीं करा पाई, ये सिर्फ जुमलेबाजी कराते हैं। ये जुमलेबाजी में इनके कोई शानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी दो उपचुनाव हैं, एक दंतेवाड़ा में और उसके बगल के सीट में चित्रकूट में, उसको तो नहीं करा पाए। राज्यसभा में तो दो राज्यसभा के चुनाव होते तो 15-15 दिन में कराते हैं। ये केवल जुमलेबाजी ये लोग करते हैं और इनका केवल बातों पे कोई विश्वास नहीं करता।
सीएम भूपेश बघेल पर बदलापुर की राजनीति करने के आरोप लगे हैं। सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं खुले तौर पर चुनौती देता हूं कि ये साबित करें कि मैंने बदले की कार्रवाई की। जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी एफआईआर हैं, जितने प्रकरण हैं और आयोग गठित कर जांच करने की बात है, ये सब रमन सिंह के कार्यकाल के ही हैं। हमारे तरफ से कोई भी अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की गई है। बदलापुर की बात करते हैं, बदले की राजनीति की, मैं चुनौती देता हूं कि मैंने एक भी बदले की कार्रवाई कोई की हो, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी एफआईआर है, जितने प्रकरण हैं, आयोग बनाने की बात है, जांच करने की बात है, वो रमन सिंह के कार्यकाल के ही सब कार्य हैं। हमारे तरफ से कोई कार्रवाई अतिरिक्त नहीं की गई है, न एफआईआर दर्ज की गई है। बदलेपुर के बात कहने वाले, मैं चुनौती देता हूं, वो साबित करके बता। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा है कि कोई भी विधायक को इस तरह की बात करनी है तो फोरम संगठन में कहना चाहिए। बता दें कि बृहस्पति सिंह ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री बीजेपी के कब्जे में हैं और ट्रांसफर के लिए अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, अधिकारियों पर मंत्रियों का नियंत्रण नहीं है। जहां तक श्री शंकर भट्ट जी उसकी बात यदि करें तो ये रमन सिंह जी के स्टाफ में थे जब केंद्रीय मंत्री, उसके बाद नानवी नीति उन्होंने किया था और लगातार इनको संरक्षण मिलता रहा और उन्हीं के आदमी के द्वारा उन्हीं के खिलाफ 64 का बयान दिया गया था। इसमें षड्यंत्र कहाँ से, क्योंकि जो इनके बीच में जो मिली भगत थी वो उजागर हो गया है। तो रमन सिंह जी ये कहते हैं कि अपराधी के बयान पर अपराध दर्ज किया गया। रमन सिंह जी उस समय सोए थे जब पी चिदम्बरम के खिलाफ जब अपराध पंजीबद्ध हुआ, आज वो जेल में है, बेल भी नहीं मिली, वो भी एक अपराधी के बयान पे कार्रवाई हुई है। नान घोटाले में शिवशंकर भट्ट के खुलासे के बाद कांग्रेस ने भाजपा और तत्कालीन रमन सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और इसी मामले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निशाना साधा। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 5 सालों से लगातार कांग्रेस ने नॉन घोटाले की लड़ाई लड़ी थी। शुक्रवार को घोटाले को लेकर शिवशंकर भट्ट का शपथ देकर बयान सामने आया है। भट्ट दबाव में चुप थे, अब रमन सिंह के घोटाले सच सामने आ रहे हैं, सफाई पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। भाजपा के कार्यकाल में एक घोटाला हुआ है जिसकी कांग्रेस सरकार ने जांच आगे बढ़ाई। विगत 5 वर्षों में लगातार कांग्रेस ने नान घोटाले की लड़ाई लड़ी, सदन में, सड़क में, मीडिया में। उस समय प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार इन मामलों को उठाते रहे। दंतेवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का दंतेवाड़ा पहुंचने का दौर शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी भी अपने 5 दिवसीय प्रवास पर पहुंच गए हैं। दंतेवाड़ा के गीदम में चुनावी सभा लेने से पहले अजीत जोगी सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात उन्होंने की। अजीत जोगी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ये कयास लगा रही है कि अजीत जोगी चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे, लेकिन ये उनका भ्रम है। जोगी ने कहा कि हम दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी और उनसे पारिवारिक संबंध है, ऐसे में उनकी सहानुभूति वोट पर कुछ कहना गलत होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से उनके प्रत्याशी सुजीत कर्मा काफी पढ़े लिखे हैं। अगर स्थानीय पुलिस दबाव के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करेगी तो हम न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत करके श्री मोहन मरकाम और जो लोग हैं, तरुण देवांगन हैं और भी लोग हैं, उन पर इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत कार्रवाई और चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्रवाई, जिससे वो आगे चुनाव न लड़ सके, ये दोनों कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम अपने जन्मदिन पर कोटा के शिवतराई खेल ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों और शिक्षकों के साथ मिलकर केक काटा। इस मौके पर टेकाम ने कहा है कि शिवतराई खेल ग्राम के बारे में सुना था, तीरंदाजी में यहां कई बच्चों ने मेडल जीते हैं। टेकाम ने तीरंदाजी प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले इतवारी राज को आभार जताया। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने खेल को लेकर एक नया प्राधिकरण बनाने की बात कही और तीरंदाजी करके बच्चों को उत्साह बढ़ाया। यहाँ पे किस प्रकार की सुविधा है, किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग होती है, इन सब की जानकारी के लिए मुझे यहाँ आने की इच्छा थी। तो आज के दिन मैंने चुना यहाँ पे और आज के दिन मैं स्कूल में बच्चों के साथ जंगल क्षेत्र में हमारे रहे उनके साथ पर अभी कुछ कुछ कार्यक्रम ऐसा आ गया वापस मुझे जाना। तो यहाँ की देखिए सुदूर एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ की स्कूलों की व्यवस्था किस प्रकार से है, ये लोग भी जाकर समय समय पर देखें उसको ताकि व्यवस्था। भाजपा ने दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर दादागिरी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने प्रशासकीय मिशनरी दुरुपयोग के आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर, केदार कश्यप और शिवरतन शर्मा ने दंतेवाड़ा कलेक्टर से मिलकर एसजी को ज्ञापन सौंपा, जहां पर अजय चंद्राकर ने कर्मा परिवार के रिश्तेदार प्रशासन में रहकर चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। भीमा मंडावी जी की शहादत के बाद उपचुनाव हो रहा है। 9 सीटों में लोकसभा में हारने के बाद कांग्रेस जो है परंपरागत तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही, जहां कांग्रेस चुनाव लड़ने के बजाय दादागिरी कर रही और दादागिरी की शुरुआत हुई उसकी लड़की के बयान से कि भाजपा का हर कार्यकर्ता नक्सली और उसको अंदर किया जा सकता और प्रशासन ने अब तक उसमें कोई समुचित कार्रवाई नहीं। राजनांदगांव जिले में लगे पनेका प्री मैट्रिक के कन्या आदिवासी छात्रावास में गोली चली। गोली चलने से छात्रावास में काम करने वाली भ्रत्य महिला कर्मचारी घायल हो गई है। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात को घायल महिला के पूर्व परिचित प्रबोध मनिकपुरी ने अंजाम दिया। घटना के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। इधर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करने की बात कही है। बसंतपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना ये बताई जा रही है। और खबर कोरिया से है, जहां पर झंगरखाड़ क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू की है और मामले में जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही नाबालिग के बयान के खिलाफ आरोपी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये आरोपी बर प्रताप, लक्ष्मण जयसवाल और विजय इन लोग लेके वहाँ मजदूरी करा रहे थे। वहाँ से बच्चे को बरामद करके लाए गए हैं। आरोपी वहाँ पुलिस के आने की सूचना वहाँ पर फरार हो गई थी और फिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के। राजधानी में अपराधियों के हौसले कुछ ज्यादा ही बड़े हुए हैं। शुक्रवार देर रात शहर के कुशालपुर स्थित झंडा चौक के पास गणेश विसर्जन में विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और मृतक दोनों नशे में थे। आरोपी के पास से नशीली दवाएं भी पुलिस ने जब्त की है। वो बीच बचाव कर रहा था जिसपे उसे गुस्सा होकर गजनी के द्वारा उसको चाकू से वार किया गया, जिसको डॉक्टर रास्ते में जाते समय अपने कार में बैठा कर 24 हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश किया। रास्ता में उसका डेथ हो गया। फिलहाल अपराध पंजीबद्ध कर पुरानी बस्ती में 302 के तहत आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। और अब खबरों में बात करेंगे पथलगांव की, जहां पर एक बार फिर से सांप ने दो लोगों की जान ले ली। जहां पर जमीन पर सो रहे भाई बहन की सांप के काटने से मौत हो गई। दरअसल इंजको गांव में रात के समय 3 वर्षीय अंजनी और उसका भाई सोमश जमीन पर सो रहे थे और इसी बीच जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। वहीं दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। तो
ज्ञात नहीं था कि किस कानून से यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ अस्पताल में कुछ परीक्षण कानून से जो लक्षणों के आधार पर जो है सब दर्द होना पाया गया। यहाँ परिजनों का कहना है कि डॉक्टर यहाँ पर समय पर नहीं आ पाए, इस करके उनकी नहीं नहीं यहाँ पर डॉक्टर ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद थे और बहुत विलम्ब होने के कारण से जो है उनकी मृत्यु हो पाएगी। कोयले जिले के खड़गवां थाने में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी के साथ लगातार 2 सालों से शारीरिक शोषण करता रहा था। जब इस बात की जानकारी बेटी ने अपनी मां को दी तो मां ने अपने पति के विरुद्ध अपराध दर्ज करवाकर खड़गवां थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि पिता के द्वारा अपनी ही पुत्री के साथ, नाबालिग पुत्री के साथ लगातार 2 वर्षों के साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा था, मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल श्रीमान पुलिस शिक्षक महोदय के द्वारा आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया और उनके कुशल मार्गदर्शन में आरोपी को ही अपराध कहने के 24 घंटे के अंदर से गाँव से ही गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। वहीं गोलिया के भरतपुर जनकपुर से 3 नाबालिग बच्चों का अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है। जानकारी के मुताबिक गांव के ही एक व्यक्ति ने बच्चों का अपहरण किया था। वो साथियों के साथ बच्चों को डरा धमका कर मेरठ ले गया था, जहां पर बच्चों से मजदूरी कराई जाती थी। वहां से बच्चों को बरामद करके लाए गए हैं। आरोपी वहाँ पुलिस के आने की सूचना पर फरार हो गई और फिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेज दिया। खबर बलरामपुर से, जहां पर जिले की विजयनगर पुलिस ने अवैध रूप से सप्लाई की जा रही नकली इंजन ऑयल गिरोह को सफलतापूर्वक पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें, पुलिस को सूचना मिली कि पिकअप वाहन में 2 नंबर का सामान ले जाया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर विजयनगर पुलिस प्रभारी टीम के द्वारा सिंदूर पुल के पास घेराबंदी कर वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को बंद पेटी में नकली इंजन ऑयल मिला। पुलिस द्वारा सामान का दस्तावेज या बिल मांगे जाने पर ड्राइवर के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस पिकअप वाहन को जब्त करके ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। कीमत 1,49,000 रुपये है। कहां पकड़े? रामानुजगंज के जो मेन रोड है, जहां सिंदूर नदी के पुल के पास, वहीं पकड़ा गया है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मामले में बड़े गिरोह की अंदेशा है। जो मुख्य आरोपी है उसको पता तलाश कर जल्द ही पकड़े जाने की संभावना है। दिव्यांगों को इलाज, पेंशन और अलग राशन देना सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है, लेकिन गरियाबंद के दुर्वापारा की 11 वर्षीय दिव्यांग छाया ध्रुव को ऐसी कोई सहूलियत नसीब नहीं है। गरीब परिवार की छाया पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता मजदूरी करके उसका सपना पूरा करना चाहते हैं। पंचायत सचिव भी उनके आवेदन कई बार उच्च अधिकारियों तक पहुंचा चुके हैं। साइकिल में क्या ये मिला है, वो कितना मुश्किल में मिला है। उसका पापा पीछे ढकलते हुए स्कूल छोड़ता है, फिर लाने के लिए जाता है। और अब बबनपुर SDM ग्राम पंचायत गोतियार डीह ने सरपंच सरोज यादव और ग्राम पंचायत दुलना के सरपंच दाल सिंह साहू को पद से बर्खास्त कर दिया है। दोनों के विरुद्ध गांव वालों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। मोतियार डीह की सरपंच पर शौचालय निर्माण के 19 लाख और स्कूल निर्माण के 7 लाख रुपए आहरित कर गबन करने का आरोप था। विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता की जा रही है, जिसके तहत जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाई गई। दोषी पाए जाने पर उनको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात बर्खास्त किया। खबर कोरबा से, जहां पर कटघोरा में वन मंडल में हाथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। वन मंडल क्षेत्र में हाथी ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। एजमानगर के सरभोका गांव में मछली पकड़ने गया था, तभी हाथी ने हमला कर दिया। यहां पर वन मंडल कटघोरा के वन पर क्षेत्र में घूम घूम कर हाथियों का आतंक लगातार जारी है। कई दिनों से यहाँ के आसपास के गाँव से सटे जंगलों में हाथियों को देखा गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वो डैम गया था गाड़ी खेलने के लिए, तो वापस आ रहा था तो नदिया से, मतलब डैम से, मतलब आधा किलोमीटर ऊपर, मतलब जंगल में
कूद कर पूरा हाथी ने पूरा दबोच लिया, उसके बाद में पूरा रगड़ के पूरा पोता वगैरह पूरा सब कुछ। 8 बजे हमारे कर्मचारी वहाँ मौके पर पहुँच गए थे, उन्होंने जो औपचारिक कार्रवाई। और खबर अंतागढ़ से है, जहाँ पर नए बस स्टैंड पर बदहाली का आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय में बना शौचालय बंद पड़ा है और प्रतीक्षालय में बारिश का पानी घुस रहा है। वहीं सड़क की डांवर जगह जगह से उखड़ गई है, साथ ही जगह जगह गड्ढे होने से यहाँ पर हमेशा बारिश का पानी भर जाता है, लेकिन शासन और प्रशासन के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। कुछ व्यवस्था नहीं है, अभनपुर की ग्राम पंचायत नायक बांधा में पंचायत ग्रामवासियों को बिना नल जल टैक्स जमा किए राशन कार्ड नहीं दे रही है। लोग मजबूर होकर टैक्स दे रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं है उन लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिल पाया है। पंचायत के मौकापरस्ती का ग्रामवासियों ने विरोध किया। उनकी दलील थी कि टैक्स वसूली के लिए लोगों को राशन के हक से वंचित नहीं किया जा सकता, टैक्स वसूली के लिए दूसरे तरीके आजमाए जा सकते हैं। हंगामा होने पर मीडियाकर्मी पंचायत पहुंचे तो सरपंच सचिव के सुर बदल गए। राशन कार्ड नया ले हाँ, तब मोला 100 रुपया जमा करे थी से, तब मोला नया राशन कार्ड दी से, पंच लदे हमें। हमारे गांव में नया राशन कार्ड वितरण हो रहा है, 100 रुपए सभी से मकान टैक्स के रूप में लिया जा रहा है और दबाव पूर्ण दिया जा रहा है, जो नहीं लेगा 100 रुपए उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा करके दबाव बना रहा है। सचिव बोले हाँ के सचिव मोर राशन कार्ड डल दे, तो कैसे सचिव है 100 रुपए दे तब दू राशन कार्ड डाला, नवा कार्ड डाला पुराना जमा करूँ किसे, तो मैं उनका पैसा नहीं, तो मैं पैसा नहीं दे सर मैं। खबर रायपुर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने 425 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार की अनदेखी का आरंभ यह है कि मामले की जांच तक नहीं की गई। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता ने मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा किया है। और अब खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी समझौते के माध्यम से समस्याओं का निवारण किया गया। साथ ही लोक अदालत में स्वास्थ्य सेवा शिविर भी लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। अंबिकापुर में जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक अनूठी पहल की गई है, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान महिला समूह ने गणेश प्रतिमा का विसर्जन किसी ऐसे जल स्रोत में नहीं किया जिससे कि जल प्रदूषित हो, बल्कि विसर्जन का ये तरीका ऐसा था कि पानी को प्रदूषित करने वाले लोगों के लिए ये नजीब बन सकता है, जहां पर समूह के लोगों ने घर के ही एक टंकी में मूर्ति का विसर्जन कर दिया। क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम सब ने मिलकर प्लान किया था कि हम यहाँ पे टब में इसका विसर्जन करेंगे ताकि जो मिट्टी बचेगी हमारे पास, हम इसका प्लांट वगैरह में यूज कर सके, इस वजह से वाटर पॉल्यूशन से हम बचे। ये हम सब ने मिलकर ये आइडिया लिया, मोदी जी इतना गंगा पवित्र के लिए इतना उत्थान कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा हम भी कुछ अपना योगदान दें वाटर पॉल्यूशन से बचने के लिए, उस कार्यक्रम को आगे लाएं, तो हम सबका ये डिसीजन। लाइगढ़ ब्लॉक के पंचायत भटगांव में 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हुई है। सीओ प्रदीप मिश्रा ने आर्थिक जनगणना के लिए कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर ईमानदारी से काम करने की सलाह देकर रवाना किया। वहीं उन्होंने आर्थिक जनगणना को सफल बनाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति की सही जानकारी देने की नगरवासियों से अपील की। बलौदाबाजार में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। बाल संरक्षण विभाग और सखी सेंटर की मेहनत रंग लाई है और उन्होंने महिला के परिवार को खोज निकाला। कांकेर में छात्राओं और महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही घटनाओं के बाद पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की एक स्पेशल टीम बनाई है। ये टीम छात्राओं को ऐसी घटनाओं से बचने की टिप्स दे रही है। आपको बता दें 23 महिला पुलिसकर्मियों की टीम इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग पर राजनांदगांव भेजी गई थी। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां पर चावरा हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी दिवस मनाया गया और इस मौके पर स्कूल में सुलेख पुस्तक वाचन और कविता पाठ का आयोजन किया गया। बच्चों को हिंदी के गुर सिखाए गए।
बेमित्रा नगर के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान में प्रदेश के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने 19वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में देश भर के 27 जिलों के 12 जोन के 1488 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बेमित्रा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को एक प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। मिस्टर मैडम को भी बहुत बधाई देता हूँ, प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूँ और आप सब लोगों ने, सरकार ने, मीडिया जगत ने अगर इसको बहुत प्रमोट किया है, मैं आप सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।